मुझे लगा तुमको पता होगा, आरके ने तुमको फोन करके बताया होगा। आरके ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे पता चला वो शेखर के घर गया था और वहाँ पर उसकी वाइफ से। तो फिर तुमको नहीं मालूम? अरे छोड़ो शेखर और उसकी वाइफ को, मुझे तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। आरके ने हिंदुस्तान में रिनी के लिए एक फैबुलस लड़का ढूंढा है। टॉल है, हैंडसम है, MBA है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत बड़े खानदान से है, करोड़पति है। बोलो, है ना खुशी की बात? और रिनी इसके लिए राजी है? क्यों नहीं राजी होगी? राहुल शेखर से 1000 गुना अच्छा है, रिनी ने मुझे खुद फोन करके बताया। Then please accept my congratulations. Thank you, Sunil. अब देखना, जब यहाँ मेरा दामाद आ जाएगा तो यहाँ सब रौनक फैल जाएगी। मैं उसको इंडियन कम्युनिटी के सामने ऐसे प्रेजेंट करूंगी कि लोग उसको देखते रह जाएंगे। I will treat him like a son. बेटियों के साथ एक एडवांटेज है लक्ष्मी जी, दामाद घर जमाई बनना पसंद करे तो एक कस्टम मेड बेटा मिल जाता है। खैर, आपके लिए रेनी की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई, isn't it? सुनील, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। आज रिनी की शादी है और ये सब एक दो दिन में वापस आ जाएंगे। That's a wonderful news. News? अगर तुमको ये न्यूज नहीं मिली थी तो कैसे आना हुआ? मैं किसी और बारे में बात करने आया था। Regarding शेखर। शेखर के बारे में मैंने कुछ decisions लिए हैं and I will not change my mind. Come on, लक्ष्मी जी, try to be fair. आप कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रही हैं। शेखर आपको टाइम पर पेमेंट करता रहा है तो फिर आप उससे लोन वापस क्यों ले रही हैं? और अकॉर्डिंग टू यू, रिनी को शेखर से अच्छा हस्बैंड मिल गया है, रिनी खुश है, आप खुश हैं, तो आप शेखर को परेशान क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसने रिनी को टिच किया है। रिनी शादी जरूर कर रही है लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। शेखर ने किसी को टिच नहीं किया है, उसको रिनी के बारे में ऐसी फीलिंग्स थी ही नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, रिनी मुझे सब बताती थी। शेखर और रिनी के बीच में क्लोजनेस थी, वो तो बेचारी रिनी उसके बहकावे में आ गई। एनीवे, जो गुजर गया वो गुजर गया। मैं इस खुशी के मौके पे कुछ अनप्लेजेंटनेस नहीं चाहती। बट आई हैव गिवन हिम नोटिस, पे और विकेट। इसका मतलब है आप मेरे कहने पर भी नहीं सोचेंगे? लक्ष्मी जी, आपका लोन सेफ है, उस पर मैंने श्योरिटी दी है। अरे सुनील, मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी छोटी बात पर अपना दिल खराब करो। इट्स सच अ स्मॉल अमाउंट, चाहो तो तुम पे कर सकते हो। ग्रेसफुल बात तो ये होगी कि तुम उसे पे कर दो। After all, Shekhar is your employee. That is a different matter. लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं लक्ष्मी जी, हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय नहीं है। यूं तो कंपनी का मालिक मैं हूं, लेकिन हम सब कंपनी के लिए काम करते हैं और कंपनी हम सब की है और हम सब कलीग्स हैं। You got it? I'll see you later.